मुझसे बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे और आसान अल्फाज में उम्रे का तरीका बताया। कुछ सवाल थे जो साथी पूछ भी रहे थे, एक तो ये कि आया जब अहराम बांधा जाता है तो अहराम के बांधने के बाद जो पाबंदियां हैं वो नियत के साथ हैं या जैसे ही पहन लिए अहराम के कपड़े शुरू? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। अहराम असल में कपड़ों का नाम नहीं है, अहराम कपड़ों की एक सूरत है, लेकिन उस पर पाबंदी उस वक्त होगी जब वो नियत करेंगे। ठीक, इसलिए मैंने उसमें कहा था कि जब जद्दा एयरपोर्ट पर उतरने से कोई आधा घंटा पहले आप नियत करेंगे तो उसके बाद वो पाबंदियाँ शुरू होंगी, उससे पहले पाबंदियाँ नहीं हैं। भले आपने दो चादरें अहराम की आपने बांध रखी हैं, मिसाल के तौर पर सर कवर करना है या चेहरे को छुपाना है या ढांपना है, सर्दी लग रही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अहराम की पाबंदी जिसमें सर आप नहीं ढांप सकते, पाँव में शूज़ भी नहीं पहन सकते, तो वो शुरू होगी जब आप नियत करेंगे। ठीक, मुझसे एक और भी है कि अगर जैसे मीकात से आप बता रहे ना आधा घंटा पहले जैसे जद्दा पहुंचने से, अगर उससे कुछ पहले जैसे एहतियातन बंदा नियत कर कर सकते वो भी जाए, जैसे अगर आपको पता है कि घंटा डेढ़ अभी बाकी है लेकिन आप एहतियातन, तो वहां से अहराम की पाबंदी शुरू, वहां से जब नियत कर ली तो फिर पाबंदी। अच्छा, खुशबू नहीं लगा सकते? खुशबू नहीं इस्तेमाल, वो जो कहते हैं कि जिस्म पे पहले खुशबू लगा ले नहाने के बाद, अगर वो ऐसी हो खुशबू के उसका असर जाहिल हो जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पहले से खुशबू थोड़ी सी अहराम पर लगी हो और वो आप पहनना चाहें? खैर, उसमें अगर लाइट है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अगर वो है उसमें ज्यादा खुशबू है कि साथ वाले को भी उसमें महसूस होता है तो फिर वो ठीक, मतलब एहतियात बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे कुछ बताते हैं, ये अगर नहाने के लिए जब आप अहराम की हालत में हैं, वो ऐसे साबुन भी आते हैं जिसमें खुशबू वगैरह नहीं है, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खुशबू वाला भी वो साबुन जो हाथ धोने के साथ ही उसकी खुशबू खत्म हो जाए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी खुशबू रहे नहीं। ठीक, अच्छा मुझसे हम रवाना हो गए, अब हम आए लाजमन वजू की हालत में ही रहेंगे या अगर वजू किसी का टूट जाता है तो अहराम पर फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, अब यहाँ से हम पहुँचते हैं जद्दा, जद्दा से जाते हैं मक्का, अपने होटल जाते हैं, इस दौरान में अगर वजू है या नहीं है कोई मसला, लेकिन अगर होटल से फिर वजू ताजा करके नहा धो करके जब हम तवाफ करेंगे तो वजू में वो हालत? जी, तवाफ बगैर वजू के मुमकिन नहीं, और अच्छा पाक होना जरूरी है। ठीक है, और अगर मुझसे कहीं तवाफ के दौरान में वजू किसी का टूट जाता है तो फिर उसको वजू करना होगा, तो कहाँ से शुरू? वहीं से शुरू कर देगा जहाँ से तवाफ टूट। अगर उसके दो चक्कर हो गए? दो चक्कर हो गए तो कम्प्लीट हो गए दो चक्कर, फिर तीसरे चक्कर में वजू टूटा है तो फिर तीसरा चक्कर हजरत असवद से शुरू करते हैं। अच्छा, वो दो शुमार होंगे? बिल्कुल। ठीक है जी, मुझसे आपने बताया कि आठ इस्तेमाल हमने करने, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाह अलहम्द। ठीक है जी, ये करके और आठ हमारे सात चक्कर पूरे हो गए, फिर जब हम जाते हैं पानी व दो दुगाना पढ़ लेते हैं वाजिब तवाफ और फिर पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब जाते हैं सफ़ा की तरफ जैसे आपने बताया कि नियत कर लें, तो वहाँ पर भी हम इस्तेलाम करने जाने से पहले इस्तेलाम कर लें बस, अगर नहीं भी किया तो उसमें कोई, और अगर हम सफ़ा पर पहुँच जाते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं जी, वहाँ भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाह अलहम्द, और वो जो फिर इन सफ़ा और मरवा था ये आयत पढ़ लीजिए, और पढ़ लें तो ठीक है, ना भी पढ़ें तो, और यहाँ कोई मखसूस दुआ है? नहीं, मखसूस दुआ कोई भी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, पढ़ते रहें जो भी दुआएं आपको याद हैं वो पढ़ें, कोई मखसूस दुआ नहीं, लेकिन वो एक दुआ जो रुकन यमानी से, हाँ वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। जब आप रुकन यमानी पे हजर असद से पहले वाले जो कोना है वहाँ पे पहुँचते हैं तो इस हजर असद वाले कोने तक पहुँचने तक ये दुआ आप पढ़ते रहें। ठीक है, और मुझसे अगर तवाफ के दौरान में या सही करते हुए आपस में जो साथी हैं बात बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप क्योंकि इबादत की हालत में है तो गपशप करने की बजाय जिक्र अज़कार करते हैं, लेकिन बातचीत हो तो कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे साथ छोटे हैं या जी, और ये मुझसे अगर कोई दुआ किसी को याद ना हो वो चाहते हैं कि आप पढ़े और हम आपके पीछे पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी, हाँ ऐसा, वैसे तो खैर इसको मकरूह लिखा है, लेकिन अगर उसकी तरफ अगर न पढ़ने से
या उसके साथ फॉलो न करने से ध्यान किसी और तरफ जाता है, तो फिर इस तरह दुआएं सुन के दिल में उसका इस्तेजार करके नियत करके मैं भी यही मांग रहा हूँ आमीन कहता रहे वो भी ठीक ठीक। वो सब दुआएं अरबी में ही पढ़ी जाए कि अभी जुबान में भी की जा सकती, हर जुबान में पढ़ी जा सकती है, अल्लाह सुभान व तआला हर बिल्कुल जानने वाले। अच्छा सब, अब हम पहुंच गए ये तवाफ करके और यहाँ पहुंच गए सफा पे, सफा से हमने रवाना हुए मरवा की तरफ, तो बीच में आपने ग्रीन लाइट बताई थी उस पर थोड़ा सा मर्दों ने हल्के से तेज जाना है, तो यहाँ पे कोई खास दुआ है या नहीं? कोई भी दुआ, कोई भी दुआ ठीक है। फिर हम जब मरवा पे पहुँचते हैं वहाँ पर भी हमने इस्तलाम करना और हम जब पहुंचते हैं जैसे हम अगर पानी पी के जाते हैं फिर इस्तलाम करके जाए और उसके बाद सब जब हम मरवा पहुंचते हैं वहां पर भी थोड़ी देर खड़े होके किबला रुख होके दुआएं दुआ करें आखिर हर चक्कर में कर लें ठीक है। और मुसब इसके बाद ये जब हो जाता है तो फिर हम जब कसर या हलक कर लेते हैं तो एहराम की हालत से हम निकल आते हैं। अगर चूंकि एहराम पहना भी है तब भी हम एहराम की हालत में अब नहीं है जी, जी। जैसे हमने बाल बनवा लिए और अगर कहीं और किसी और तकाजे से अपने इत्तेफाक पहना हुआ ही है लेकिन आप एहराम पहने हुए तो है लेकिन हालत एहराम में निकल मुसब बहुत शुक्रिया। और एक आज सवाल और भी है वो ये कि ये जो दुगाना वाजिब तवाफ पढ़ते हैं ये मकाम इब्राहिम के करीब पढ़ा जाए या क्योंकि बड़ा रश होता है? देखो वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला ये कुरान करीम की आयत है लेकिन आजकल के रश के माहौल में ये फतवा है कि पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। वैसे आप यानी उसी रुख में पीछे चलते जाएंगे जहाँ पे मकाम इब्राहिम है पीछे चलते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको जरूर जगह मिल जाएगी लेकिन ऐसी जगह पे पढ़ना बेहतर हो जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक ये कि आप नमाज ही पढ़ रहे हैं लोग आपके सामने से गुजर रहे हैं आप हाथ कटा रहे हैं या आपकी तबीयत पे असर है क्या ये कैसे तो वो ना करें। और मुसब जिस तरह आप कहते हैं कि तवाफ के दौरान में तो वजू का होना जरूरी है अगर सही करते हुए वजू टूट जाता है तो क्या वजू दोबारा किया जाए या बेहतर वजू किया जाए लेकिन ना भी करें सही वैसे बगैर वजू के भी हो सकती है लेकिन बेहतर है वजू किया जाए क्योंकि वहां पे आप देखेंगे जगह जगह पानी के कूलर लगे हुए तो आप वहां से भी वजू कर सकते। ठीक है। और मुसब अब तवाफ हो गया सब कुछ जब आपका दिल होता है कि दोबारा नफली तवाफ किया जाए उसमें तो सही नहीं होगी ना? नहीं तवाफ सिर्फ सात चक्रों का नाम और दो रकात वाजिब तवाफ लेकिन जब उम्रा करते हैं तो सही साथ में जाहिर है वो तो एहराम की हालत में होता है लेकिन अगर वैसे हम करते हैं ताकि सिर्फ सात चक्कर लगा ले सात चक्कर दो रकात पढ़ जी जी तो ये आपका नफी तो आपको देखेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक मुझसे साहब की भी इल्म में उम्र में अमल में बहुत बरकत अता फरमाए अल्लाह हम सबको बार बार हाजिर नसीब फरमाए मक्का की भी मदीने की भी आमीन। जज़ाकुम अल्लाह ताला आपकी सफर को आसान फरमाए कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन शुक्रिया।